अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, लर्न विद फातिमा में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इंसान का तल्लक चाहे किसी भी फील्ड से हो, लेकिन उसके जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो आज जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगी, उस टॉपिक का नाम है हाउ आ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर के काम करने का तरीकाकार और इंसान के काम करने का तरीका आपस में बहुत मिलता जुलता है। इंसान किसी भी मसले को हल करने के लिए पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल करता है और चंद मिनट के अंदर मसाइल का हल निकालता है। वहीं कंप्यूटर ऐसे कई मसाइल एक सेकंड से भी कम टाइम में हल कर देता है। कंप्यूटर के काम करने के तरीकाकार में चार बेसिक ऑपरेशंस शामिल हैं। इन ऑपरेशंस के नाम हैं इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेस ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन एंड स्टोरेज ऑपरेशन। सबसे पहले मैं इनपुट ऑपरेशन को एक्सप्लेन करूंगी। इस ऑपरेशन में इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को रिक्वायर्ड डाटा और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो कि इनपुट कहलाती हैं। इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, इन डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा वगैरह शामिल हैं। इनपुट ऑपरेशन के बाद कंप्यूटर प्रोसेस ऑपरेशन पर काम करता है। प्रोसेस ऑपरेशन में कंप्यूटर हमारी हदायात या इनपुट जो हमने कंप्यूटर को दी होती हैं, इसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करता है। प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर में लगा प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर का दूसरा नाम CPU है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये सिलिकॉन चिप से बना होता है जो मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होता है। प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, इसे आउटपुट या इंफॉर्मेशन कहते हैं। आउटपुट ऑपरेशन में आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर वगैरह। आउटपुट ऑपरेशन के बाद कंप्यूटर डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिसके लिए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, जिनमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD/DVD और फ्लैश मेमोरी काबिले जिक्र हैं। मैं आपको कंप्यूटर की वर्किंग एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनको आपस में ज़रब देनी है। कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे। यह तो है इनपुट ऑपरेशन। आपने इनपुट दी कि दो नंबर्स को ज़रब दो। इनपुट के बाद अगला ऑपरेशन है प्रोसेस का। कंप्यूटर इन नंबर्स पर काम करेगा, प्रोसेस करेगा और नंबर्स को ज़रब देकर रिजल्ट मोनीटर स्क्रीन पर दिखा देगा। जब रिजल्ट को दिखाना आउटपुट ऑपरेशन कहलाएगा। और इसके बाद कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए, जिस स्टेज स्टोरेज ऑपरेशन कहलाती है। दूसरी तरफ अगर इंसान को यही क्वेश्चन हल करना हो, तो वो पहले क्वेश्चन लिखेगा, फिर सोचेगा और हल करके इसे पेपर पर लिखेगा और लेटर यूज़ के लिए इसको कहीं स्टोर कर लेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इंसान और कंप्यूटर के काम करने का तरीकाकार आपस में काफ़ी मिलता जुलता है। कंप्यूटर प्रोसेस को समझने के लिए ये क्लासरूम चार्ट आइडिया है, जिसमें अगर आप एरोस पर गौर करेंगे तो आपको कंप्यूटर की वर्किंग इजीली समझ में आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले इनपुट है, उसके बाद एरो जो है वो प्रोसेस की जानब है, प्रोसेस के बाद आउटपुट है और फिर स्टोरेज है। इसी तरह ये वर्किंग साइकिल चलता रहता है। उम्मीद है कि इसे देखने के बाद बच्चे भी इजीली कंप्यूटर प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।